बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो गुड़िया की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है और सर्दियों का मौसम है, तो हमने सोचा कि आज हम पराठे बनाते हैं, तो आपको इस लोगों के साथ पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो अभी हमने आग जलाई हुई है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, तो साथ ही साथ हम आटा भी गूंद रहे हैं। छोले वाले आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी आटा हम गूंथ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ओ जहाज थोड़ा सा इसमें हम नमक मिलाएंगे आटे में, और आटे को अच्छी तरीके से हम गूंदेंगे क्योंकि अगर आटा अच्छा बन जाए तो पराठे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये बहुत ऊंचे होते हैं ना, इस वजह से नज़र नहीं आते। तो माशाल्लाह से आटा हमने गूंद लिया है, अभी थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे। आपको मेरी बातें सुनने को मिलेंगी, बुढ़िया की बातें सुनने को मिलेगी। तो पानी हमने गर्म करके आटा गूंथते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आटा अच्छे तरीके से नहीं गूंथा जाता। तो पिछले दिनों हमने अचार बनाया था, तो आज हम अचार के साथ नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए, आप लोग दिखाते हैं अचार। तो ये देखिए, इसमें नींबू भी हैं, मिर्चें भी हैं और गाजरें भी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अचार बना हुआ है। तो इसको हमने मिट्टी के बर्तन में बनाया है, और ये बर्तन मिट्टी का बर्तन थोड़ा छोटा था, तो हमने कुछ मिर्चें इधर डाल दिए। इधर सिर्फ मिर्चें हैं इसमें और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वो वाला अचार ख़त्म होगा तो ये अचार हम निकाल कर उसमें डाल देंगे। तो आज अचार माशाल्लाह से बना हुआ है, तो आज अचार के साथ नाश्ता करेंगे। अभी मौसम नहीं है ना, साथ ही साथ तो मेथी का थोड़ा सा सालन बना लेते हैं दिन के लिए, क्योंकि दिन को टाइम नहीं लगता सालन बनाने का, तो बना कर रख देते हैं दोपहर के लिए। टमाटर हम काट देते हैं, और थोड़ा सा सालन हमने बनाना है, इतना ज़्यादा नहीं बनाना। गुड़िया क्या खाएगी? टमाटर हम काफ़ी सारे इसमें डालेंगे, और इसके साथ ही साथ नमक, गरम मसाला पाउडर और मिर्च, ये बात हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम पराठे बना लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता हम बना लें, तो ये सालन हम बाद में बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अब पराठा बनाएंगे। तो जो लच्छेदार पराठा होता है तो थोड़ा मोटा बनाया जाता है, और गुड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए गई है। तो इसमें हम घी डाल देंगे, क्योंकि पराठे तो बनते ही घी से हैं, जितना ज़्यादा घी हो उतने ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। और ये जो पराठे की ये इस तरह हम बेलते हैं ना, इसके कई तरीके होते हैं, और हर के अपने अपने तरीके से बनाते हैं, और मैं जो बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए, हाँ तो अभी हम दो तीन पर डाल लेते हैं, तो बाद में हम तवे पर डालेंगे। तो अभी गुड़िया को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो गुड़िया साथ ही आ गई है खाने के लिए। ये देखिए, बस काफ़ी है और बस। बहुत अच्छे बने हैं।
एक बार खाएगा बार बार आएगा आपके पास खाने के लिए। आज पौधों को पानी भी नहीं दिया। क्यों भूल गई थी? सुबह भूल गई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी पराठे बन रही है देखिए। रखने दो ना, पहले भी हमने बनाए थे दो है। मम्मी एक और ये ऐसे देखो वाला, ये देखिए कितना प्यारा बनाया। वैसे मम्मी का कहना हो तो मम्मी बहुत अच्छे बना दिए। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह से पराठे हमारे तैयार हो गए हैं जी, बहुत अच्छे बने हैं और बिरयानी खा भी लिए हैं। तो अभी हम दोपहर के लिए सालन बनाते हैं। दोपहर को क्या बनाएंगे? मेथी और टमाटर। मेथी और टमाटर तो इसे हम तंदूरी के अंदर रख देंगे। तो अभी सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो अभी ये देखिए हम खा रहे हैं पराठे। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही अच्छी बने हैं। तो किसी बहन भाई ने खाना है तो मोस्ट वेलकम। और हमारा दिन के लिए भी सालन तैयार हो गया तकरीबन। तो बस अभी मम्मी घर पे नहीं है तो पराठे बहुत अच्छे बने थे। अभी रात का टाइम है और तो बस इसी के साथ ही मम्मी घर पे नहीं है तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।